तो हम पढ़ रहे थे एस डी यादव नंबर सिस्टम। एस डी यादव नंबर सिस्टम में हमने 138 नंबर क्वेश्चन तक खत्म किया था। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 139 हमारे पास क्या कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 175 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। और पूछा है कि इसका इकाई अंक बताओ, पूछा है इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि एक की पावर कुछ भी हो इकाई अंक एक रहता है, तो यहाँ से इकाई अंक एक आ गया। ठीक है, एक की पावर कुछ भी हो इकाई अंक एक रहेगा, तो यहाँ से भी इकाई अंक एक आ गया। माइनस एक, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 रहेगा। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 रहेगा। और माइनस 6 की पावर कुछ भी इकाई अंक 6 रहेगा और प्लस का 9। ठीक है, तो हम मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर एक की पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक एक रहेगा, एक की पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक एक रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 रहेगा, 6 की पावर कुछ भी इकाई अंक 6 रहेगा, और यहाँ इकाई अंक कितना है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो करना क्या है, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ कर लेते हैं। कितना हो गया, 9, 5, 14 और 2, 17। 17 में से कितना माइनस करना है, 6 और 6, 12। तो इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास, 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमारा इससे मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि इसने पूछा इकाई अंक, तो इकाई अंक से मतलब है कि सब इकाई अंक की ही बात करेंगे। यहाँ कितना इकाई अंक है, 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1। यहाँ कितना इकाई अंक, 1, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1। यहाँ कितना इकाई अंक, 6, 6 की पावर कुछ भी कि 6, 5 हो 5 की पावर कुछ भी इकाई अंक 5। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास 140 कह रखा है कि उसने कि 2153 की पावर 167 का इकाई अंक होगा। उसने कहा है कि 2153 की पावर 167 का इकाई अंक पूछा उसने। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि हमारा जब इकाई अंक पूछेगा तो हमारा मतलब किससे होगा, सिर्फ इकाई अंक से, यानी इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, 215 से हमारा मतलब है इकाई अंक से। और मैंने बताया इकाई अंक पे 2 हो, इकाई अंक पे 3 हो, इकाई अंक पे 7 हो, या इकाई अंक पे 8 हो, तो पावर को भाग करेंगे 4 से। तो यहाँ कितना इकाई अंक पे 3, तो 3 लिख दिया हमने, पावर को भाग करेंगे 4 से। और 4 का डिविजिबल रूल मैंने बताया था कि अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करते हैं, जब अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे तो 67 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 64 कटेगा, कितना बचेगा, जब हम 67 में भाग करेंगे 4 से तो 4 एकम 4 कितना बचा यहाँ से, 2, कितना हो सकता है, 4 6 24 कितना बचा यहाँ से, 3, यानी 64 कटेगा और 3 बचेगा, कितना हो गया, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 27 में इकाई अंक कितना हमारे पास, ये 7। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, जब भी इकाई अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर को 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा उसको पावर मानेंगे। ठीक है ना, और शेष 0 बचेगा तो पावर को 4 मानेंगे। तो शेष कितना बचा, 3 बचा, तो पावर को 3 मान लिया, और 3 की पावर 3 होता 27, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 27। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 141 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर ऐसा ही मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पीछे। ठीक है ना, देखो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है हमारे पास, 141 है क्या कि 134 की पावर 94 और प्लस 234 की पावर 95। पूछा इसका इकाई अंक बताओ, तो मैंने बताया था कल कि 4 की पावर सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास, तब यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास कितना, कितना आएगा यूनिट डिजिट, 6 आएगा। और एक 4 की पावर विषम है, तब यूनिट डिजिट कितना आएगा, तब आएगा यूनिट डिजिट हमारे पास 4। तो यहाँ इकाई अंक पे 4 है, इस 13 से मतलब है नहीं हमारा कोई, इकाई अंक पे 4 है। ठीक है, और 4 की पावर क्या है, एक सम संख्या, तो इकाई कितना मिलेगा, 6। क्यों, क्योंकि 4 की पावर जब सम होती है इकाई अंक 6 मिलता है, 6 लिख दिया। ठीक है, प्लस इससे मतलब है नहीं हमारा कोई, हमारा मतलब इकाई अंक से, इकाई अंक कितना, 4, 4 की पावर क्या, विषम संख्या। ठीक है, और विषम संख्या होने पर इकाई अंक कितना मिलता है हमें, 4, तो कितना हो गया, 4। और 6 और 4 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, और 10 में इकाई अंक कितना हमारे पास, 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो
अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 142 की। क्वेश्चन नंबर 142 है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, ठीक है, तो ये संख्या कितनी है। ठीक है, तो नंबर मान लो, हमने माना कि वो जो नंबर था हमारे पास, वो नंबर हमने x मान लिया, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर दोनों को भाग को परसेंटेज में चेंज कर लो, ठीक है ना, या दोनों भाग को परसेंटेज में चेक कर लो या फिर एक्स मान लो, दोनों तरीके से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, उसने कहा कि किसी एक संख्या का 65%, ठीक है, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो पहले बताता हूँ एक्स मान के उसको बताऊँगा परसेंटेज से, ठीक है ना। देखो, ये संख्या है, इस संख्या का 65%, तो इस संख्या का 65% कर दिया हमने, इस संख्या का 65%, ठीक है ना, संख्या का 65% लिख दिया हमने, किससे, संख्या के 4/5 से, तो संख्या के 4/5 से कम कौन है, x का 65%, यानी संख्या का 65% संख्या के 4/5 से कितना कम है, कितना कम है, कम है 21, ठीक है, तो 21 इसमें जोड़ दो, क्योंकि बराबर करना है हमें इसको, बराबर कर दिया। उसने कहा था कि संख्या का 65% संख्या के 4/5 से 21 कम है, बराबर करने के लिए जो साइड कम होगी उसमें उतना ही जोड़ना पड़ेगा, हमने इसमें साइड जोड़ दिया, ठीक है, तो काटो इसको, ये कटेगा 5 से 13 बार और ये कटेगा 5 से 20 बार, तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 13x/20 +21 बराबर 4x/5। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ तो 20 बनी रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4x/5 माइनस का 13x/20, ठीक है। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे, मैं लिखता हूँ नीचे, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 20, ठीक है, 5 × 20 और 4 × 16x माइनस का 3x, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से इसको ऊपर, कितना हो गया 21 बराबर, तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 20, ठीक है, 3 × 7 = 21 और 20 की जब इसमें पढ़ाओ कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, नंबर कितना हो गया हमारे पास 140, नंबर कितना हो गया हमारे पास 140, पूछा क्या था उसने, पूछा था नंबर, ठीक है, तो नंबर कितना हो गया 140। ये तो था डिटेल में एक्स मान के, ठीक है ना, और लेंथी भी हो गया, लेकिन जब हम इसको परसेंटेज से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, देखो परसेंटेज से करेंगे कैसे, देखो इसको मिटाते हैं, देखो उसने एक साइड तो परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है ना, एक चीज़ का पता होना चाहिए, अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, अगर हमारे पास 1/2 लिखा है, अगर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। अगर हमारे पास तीन, मान लेते हैं कि 3/5 लिखा है और इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर दो, बाकी जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है ना, कितना हो गया 5 × 2 = 10, कितना हो गया 60%, ठीक है। तो देखो, तो एक साइड तो परसेंटेज में है, यानी एक साइड कितनी रखी है 65%, ठीक है, और दूसरी साइड दे रखी है 4/5, कितना 4/5, 4/5 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे कितना करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 80%। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कौन कम है कौन ज़्यादा है, क्यों, अब यहाँ पे 65% है या 80% है, तो नंबर कितने परसेंट हो गया, तो संख्या जो हो गई अपने आप में, संख्या जो हो गई 100% हो गई, ठीक है, संख्या कितने परसेंट हो गई, संख्या हो गई 100%, संख्या 100% थी तो उसका एक भाग है 65%, दूसरा भाग है 80%, संख्या है कितनी परसेंट, संख्या 100% माननी पड़ेगी हमें, ठीक है, संख्या 100%, उसका एक भाग 65%, उसने कहा कि 65% जो है 80 से कम है, तो देखो 80 से तो कम ही है 65, ठीक है, 80 से कम है 65, ठीक है, 65% कितना कम है 21, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना दे रखा है 20 बन दे रखा है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, कि 80% जो है वो 65% से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है,
तो 65% में 21 जोड़ दो, ठीक है, तो वो 80% के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कितना हो गया, यहाँ से जब यहाँ से इसको उधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, ये 80 में से 65 हटाएंगे कितने परसेंट आएगा, 80% माइनस का 65% बराबर 21, कितना हो गया, ये हो गया 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 21, कितनी है 21, 15% की वैल्यू कितनी है 21। हमसे पूछा है वो नंबर, नंबर कितना है हमारे पास 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 21 बटे 15 × 100, तो 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21, कितना हो गया 140, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको और भी जल्दी कर सकते हो, देखो नंबर 65% को हमने परसेंटेज में तो बढ़ाया कितना 15%, और नंबर में कितना बढ़ाया 21%। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि जो 15% की जो वैल्यू हमारे पास वो 21 है, 15% की वैल्यू कितनी है 21। इस ये लाइन और ये लाइन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच सकते हैं। कैसे, देखो ये 65% से कितना हो गया 80 हो गया, 80% हो गया, ठीक है, परसेंटेज में कितना बढ़ा 15, लेकिन नंबर में कितना बढ़ा 21, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी 21, हम 100% पूछा कितना आ गया चार्ज, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करके हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, एक संख्या का 12वां का 1/10 भाग 240 है, ठीक है। चलो क्या रखा है कि एक संख्या का दोगुना, एक संख्या का दोगुना, एक नंबर है मान लेते हैं वो नंबर x है, इस संख्या का दोगुना कर दिया, दोगुना का 1/10, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का 1/10 वा भाग, ठीक है ना, संख्या के दोगुने का 1/10 में भाग कितना है हमारे पास 240, यही तो कहा क्वेश्चन है कि संख्या के दोगुने का 1/10 भाग 240 है, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 और 24×5 कितना हो गया 120, 3×4 कितना हो गया 1200। उसने नंबर पूछा था, नंबर कितना हो गया हमारे पास 1200, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 143, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 6³ गुणा 7² गुणा 8³ है, क्या है ये 111 है, 333 है, ठीक है ना, ये 111 लिख रहा है शायद, ठीक है ना, ये पावर देख लेना, ठीक है ना, पावर इसमें बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही है। 6³ = 333, 7² = 222, 8² = 111, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी इसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे, इसमें कितने प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर पूछे। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है फैक्टर से, या तो पूछता है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या पूछता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, या पूछता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना, या पूछता है प्राइम फैक्टर। तो सबसे आसान होता है प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है ना, बाकी जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो पावर में एक जोड़ के गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना, वो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उसने कहा है कि 6³ = 333 और 7² = 222, 8² = 111 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं कहूं, अगर मैं कोई नंबर लिखूं यहां, जैसे मैंने यहां 12 लिखा, अब मैं कहूं कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम का मतलब है अभाज्य, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभाज्य, तो अभाज्य होता क्या है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, केवल दो फैक्टर, एक तो वो स्वयं होता है और एक एक होता है, ठीक है। चलो तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 4×3 में। देखो 3 तो हमारे पास प्राइम फैक्टर है, क्या है प्राइम फैक्टर, लेकिन क्या 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 प्राइम फैक्टर कैसे बनेगा, हम इसको 2² लिख सकते हैं और 3 हो गया, देखो 4³ है। अगर मैं पूछूं कि इसके इसमें प्राइम फैक्टर बताओ कितने होंगे, अब मैं पूछूं कि इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, देखो दो फैक्टर, दो के दो फैक्टर हैं तो 2, 3 का कितना फैक्टर है तो 1, कितना हो गया 3। यानी कि जब भी हमसे प्राइम फैक्टर पूछे कि प्राइम फैक्टर की संख्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछेगा वो पूछेगा प्राइम फैक्टर की संख्या बताओ। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो वो ही बता देंगे हम, ठीक है ना, जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। फिलहाल उसने पूछा प्राइम फैक्टर बताओ,
तो देखो जो प्राइम नंबर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्राइम नहीं है उसको प्राइम कर लो। क्या ये प्राइम नंबर है? छः नहीं है, छः को ब्रेक कर लो किस में? दो गुणा तीन में, तो कितना हो गया? इसकी पावर इतनी रहेगी, ठीक है ना, गुणा सात। तो प्राइम नंबर है, सात को यहीं छोड़ दो। क्या आठ प्राइम नंबर है? नहीं है, आठ क्या है? दो की पावर तीन इंटू ट्रिपल वन, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। यानी जो नंबर दे रखा है ना उसका बेस प्राइम कर लो, जो नंबर दे रखा है उसका बेस प्राइम कर लो, और बेस प्राइम करने के बाद पावर को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये दो की पावर 233 हो जाएगा यहाँ से, गुणा तीन की पावर कितना हो जाएगा 333, गुणा सात की पावर कितना हो जाएगा 222, गुणा तीन की गुणा जब इससे हो कितना हो जाएगा, दो की पावर 333 हो गया, ठीक है ना। तो देखो और गुणा करने पर पावर जुड़ती है, गुणा करने पर क्या होता है, पावर जुड़ती है। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करने जाएँ तो दो बेस ये है, दो बेस ये है, गुणा करने पर क्या पावर जुड़ेगी, 333 प्लस 333 कितना हो जाएगा 666, यानी कितना हो गया, दो की पावर 666 गुणा तीन की पावर 333 गुणा सात की पावर 222। उसने पूछा है प्राइम फैक्टर, तो बेस को प्राइम कर लिया हमने, जब बेस को प्राइम कर लिया तो पावर को ऐड कर दो, कितना हो गया 666 प्लस 333 प्लस 222, ये आंसर हो गया, कितना हो गया 6 3 9 2 11, हाँ से कितना लगा 1, 6 3 9 2 11 और 1 12, हाँ से कितना लगा 1, 6 3 9 2 11 और 1 12, कितना आंसर हो गया 1221। अगर वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता हमसे तो पावर में एक जोड़ते, पावर में एक जोड़ते, पावर में एक जोड़ते, ठीक है ना, पूरा कर देते उसके बाद में, ठीक है, वो बात की कहानी जब जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो क्या करा हमने, क्या करा कि हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, बेस को प्राइम कर लेंगे, बेस को प्राइम करने के बाद में इस तरह सॉल्व करते चलाएंगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको जल्दी भी कर सकते थे अगर जिसने कर रखा था, यहाँ से क्या होगा, ये दो गुणा तीन में टूटेगा, किस में टूटेगा, दो गुणा तीन में टूटेगा, तो इसकी दो गुणा दो बार गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 266 सॉरी, ठीक है ना, किस में टूटेगा, ये दो गुणा तीन में टूटेगा, और दो गुणा तीन में टूट के आपस में जुड़ेंगे ये तो पावर, कितना हो जाएगा 666, ये ऐसी रहेगा 222, ये दो के बाद तीन में टूटे कितना 333 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होता 666, यहाँ से कितना 222 होता, और यहाँ से कितना होता 333 होता, इसको जोड़ देते आंसर वही आ जाता, ठीक है ना, लेकिन करते ऐसा तब होता जब हमें पता हो इसके बारे में, ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर शायद 142 था, कितना था क्वेश्चन नंबर था, ये 144। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो परसेंटेज बना लो जो फ्रैक्शन दे रखी है हमें 1/4 और 1/5, या तो फ्रैक्शन बना लो, उसको क्या कर लो, फ्रैक्शन बना लो या ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों तरीके हैं, सॉरी परसेंटेज बना लो या फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ तो कैसे करते हैं। उसने कहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5, ठीक है, यानी माना नंबर, माना संख्या, अगर इसको परसेंटेज में सॉल्व करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखो पहले मैं एक्स से बताता हूँ, माना संख्या कितनी हो गई, एक्स मान ली हमने। उसने कहा है कि वह कौन सी संख्या जिसका 1/5, यानी संख्या का 1/5 कितना हो जाएगा, एक्स का 1/5 में चार की वृद्धि करी गई, एक्स के 1/5 में चार की वृद्धि की गई, उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, हमने अपने आप में बराबर नहीं करे हैं, उस क्वेश्चन ने कहा है बराबर करने के लिए, कर दिए बराबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 10 को तो इधर लेकर आते हैं क्योंकि ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये उधर जाके 4 + 10, क्योंकि माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया, बराबर x/4 माइनस का x/5, क्यों, क्योंकि ये किसका था, प्लस का था, उधर किसका हो गया माइनस का, कितना हो गया, ये हो गया 14 बराबर। एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम आया 20, कितना आया, एलसीएम आया हमारे पास कितना 20, ठीक है। तो चलो तो कितना हो जाएगा 5x - 4x, ठीक है, 5x - 4x कितना हो गया 14 बराबर
एक्स अपॉन बीस कितना हो गया, 20 के जब गुणाओगे इसमें कितना हो जाएगा, x बराबर 14 गुणा 20 कितना हो गया, 14 28 280। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका 280। ये तो था कैसे x मान के, तो वो बिना x माने कैसे करेंगे, हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 और जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। और मैंने बताया इसको परसेंटेज में चेंज करते कैसे हैं, 100 से गुणा कर दो, जब इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, और जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25%। बस ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे कर दो, ठीक है। उसने कहा है कि 1/5 यानी 20% में 4 जोड़ा जाता है और वो बराबर हो जाता है किस में, 25% में 4 घटाने के। बस क्वेश्चन का सॉरी 4 नहीं 10 है, 10 खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो यह हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 है हमारे पास, डायरेक्ट दिख जाएगा। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तो ये फ्रैक्शन याद करवा देंगे, 1/5 कितना होता है 20%, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। तो अब क्या करें, परसेंटेज को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, ठीक है। तो परसेंटेज को इधर ले आओ, कितना हो गया ये 20% माइनस का 25% बराबर माइनस का 10 माइनस का 4, तो माइनस का 5% बराबर कितना हो गया माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी 5% की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गए, ठीक है। जब ये हम परसेंटेज में लेके चलते हैं तो संख्या हो जाती है 100% हो जाती है, ठीक है ना। जब इसको परसेंटेज में लेके चलते हैं तो संख्या कितनी होती है 100%, यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, चाहे वो 1 रही हो, चाहे वो 50 रही हो, चाहे वो 1000 रही हो, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई निकाल दो, 14/5 गुणा 100 कितना हो गया, 5 × 10 14 × 28 280। इसको हम जल्दी तभी कर सकते हैं जब हम इसको परसेंटेज में ब्रेक कर दें, ठीक है। 1/5 20%, 1/4 25%, दोनों का डिफरेंस 5% और नंबर में कितना है 14, यानी 5% की वैल्यू कितनी हुई 14, आप सॉल्व करने को लग गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 145 था, क्वेश्चन नंबर 146 हमारे पास क्या 146 है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। क्या पूछिए उसने, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, कि 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25। ये पावर देख लेना क्योंकि पावर इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रही है, ठीक है। चलो मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, यानी कि प्राइम फैक्टर कितने पूछा उसने, तो मैंने कहा कि बेस को प्राइम कर लो, बेस को प्राइम करने के लिए 5 की पावर 2 ब्रेक करना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा पावर 10, और इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें किसमें, 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 24, ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 8 का मतलब ये लिख देता हूँ मैं 20, ये ब्रेक करना पड़ेगा 13 × 2 में, ठीक है। अब पावर लगाओ, 2 × 10 5 की पावर 20 गुणा, ये 2 की पावर 3 है, लिख देता हूँ पूरे ही मैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 20, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा 13 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25, ठीक है। चलो अब ये कितना हो गया, 5 की पावर 20 गुणा, जब 3 की 20 से गुणा कितना हो जाएगा 60 गुणा 3 की पावर 20 गुणा 13 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है, इन सारी पावर को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा ही मत करना कि 3 की 2 की पावर ये है, 2 की पावर ये है, इन दोनों को यहाँ ला के जोड़ो, एक लाइनर बनाओ, उससे मतलब नहीं हमारा कोई, हमारा मतलब आंसर लाने से। तो अब जो पावर आ गई, देखो इसका बेस, इसका भी प्राइम बेस है, इसका प्राइम बेस है, इसका प्राइम बेस है, इसका प्राइम बेस है, इसका प्राइम बेस है, यानी सारे बेस क्या हमारे पास प्राइम है। जब सारे बेस प्राइम है हमारे पास, जब सारे बेस प्राइम है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 20 + 60 + 20 + 25 + 25 जोड़ दो, कितना हो गया 80, 100 और 50, 150।
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो जल्दी ऐसे करते हैं, जब इसका बेस प्राइम करेंगे तो 5 की पावर 2 में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 2 की गुणा होगी 10 से, कितनी हो जाएगी 20, ठीक है ना, कितनी पावर हो जाएगी 20। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की गुणा होगी 60 से, कितना हो जाएगा ये 60, लेकिन 3 बचेगा, फिर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। ये कितना है, इसमें टूटेगा 13 और किसमें 2 में, तो 13 की पावर 25 और फिर 2 की पावर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जोड़ दो इसको, वही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये तब समझ में आएगा जब इसको हमने इस तरह से समझ रखा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो करना क्या है भाई, प्राइम बेस को प्राइम करना है हमें, जब इस वाले बेस को प्राइम करने जाएंगे तो 5 की पावर 2 में लिखना पड़ेगा और 2 की गुणा होगी पावर में, कितना हो जाएगा 20। जब इसको प्राइम बेस में तोड़ने जाएंगे तो पावर की 1 बार गुणा होगी 3 से, 1 बार गुणा होगी 1 से, देखो कैसे, 2 की पावर 3 पावर की 1 बार गुणा किससे हुई 30 से, और 1 बार किससे हुई 1 से, तो देखो 3 से गुणा हुई 1 से गुणा हुई, ठीक है। अब देखो जब इसको करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 13 की पावर 1 है, 12 की पावर 1 है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 25 आएगा और यहाँ ही 25 आएगा, तो 25 प्लस 25 आंसर कितना हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर ये था 146, अब बात करते हैं 147 की। 50 से 100 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी, यानी 50 से 100 के बीच, 100 है हजार है, हजार के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 49, क्या 49 50 और 1000 के बीच में आता, नहीं आता। जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है हमारे पास 64, क्या 64 किसके बीच में आता है, 50 और 1000 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। फिर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कहाँ तक जाता है, 81 हो जाता है। फिर हम 10 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है, 100 आता है, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगा, अगर हम, ठीक है ना, हमें 1000 से तो छोटा चाहिए और 50 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब हमें स्क्वायर याद होने चाहिए यहाँ, तो अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है कितना, 961, ठीक है, चाहे करके देख लेना, 1 कम 1, ठीक है ना, 3 कम 3 दूनी 6 और 3 3 9 67 होता है, और 32 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1024, तो 32 तक तो ले नहीं सकते हम, क्यों 32 तक क्यों नहीं ले सकते, 32 तक इसलिए नहीं ले सकते, क्यों, उसने कहा है कि 50 से 1000, ठीक है ना, 50 से 1000, तो 50 से 1000 के बीच 8 से लेकर 31 तक की संख्याओं के स्क्वायर आएंगे। 50 से लेकर 1000 के बीच 8 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, 11 का आएगा, 12 का आएगा, 13 का आएगा, 14 का आएगा, कहाँ तक आएगा, 31 तक आएगा, ठीक है। अब हमें यही बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, तो साफ साफ दिख रहा होगा, एक तो फॉर्मूला निकालने का इसका, वरना ये तो लगातार संख्याएं लिखी है ना, 31 की संख्या, ठीक है ना, एक से लेकर 31 तक की संख्याएं हैं और 1 से लेकर 7 तक की माइनस कर देंगे, फॉर्मूले से बता देता हूँ, देखो मैं कैसे, कि संख्याओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर, ठीक है ना, लास्ट टर्म माइनस, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास किसी भी सीरीज में संख्याओं की संख्या पता करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो करो पता, अंतिम पद क्या हमारे पास, 31, 31 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 31 का स्क्वायर नहीं लेंगे, नंबर तो 31 माइनस फर्स्ट कितना हमारे पास 8, डिफरेंस कितने का 1 का, प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे, तो नीचे 1 का तो मतलब है नहीं कि हटा दें इसको, क्यों, कॉमन डिफरेंस से मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस, अगर 9 में से 8 घटाएं तो 1 आएगा, 10 में से, ठीक है ना, 9 घटाएं तो 1 आएगा, 11 में से 10 घटाएं तो 1 आएगा, जिसने समांतर श्रेणी पढ़ी रहोगे इंटर में उसे पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करें, ये प्लस 1 और ये 31 कितना हो गया 32, और 32 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 24, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर, योगा हमारे पास आंसर, वरना हम यहीं देख सकते थे कि हम देखें कि अगर हम 1 से लेकर 31 तक संख्या गिनते हैं तो होती है 31,
लेकिन हमने लिए आठ से आई की संख्या है, तो सात माइनस कर दो ना, इकतीस में सात कितना होगा, चौबीस। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि 50 से लेकर 1000 तक 24 संख्याओं का स्क्वायर आएगा, कितनी संख्याओं का स्क्वायर आएगा, 24। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार अंकों वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या होगी। अब यहाँ स्क्वायर याद होने चाहिए हमें। उसने पूछा है चार अंकों वाली सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या और चार अंकों की हो। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 31 का स्क्वायर तो होता है हमारे पास 961, ये तो होता है तीन अंकों का। लेकिन जब 32 का स्क्वायर करने जाते हैं तो वो होता है 1024, और ये कितने अंकों का होता है, चार अंकों का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इससे छोटा कोई स्क्वायर चार अंकों में नहीं हो सकता। ठीक है ना, यही है अगला क्वेश्चन हमारे पास। इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अच्छा देखो, अब इसने कहा है क्या कि 149 में क्या क्या रखा है उसने, कि 2 की पावर 250, ठीक है, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। पूछा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, सबसे छोटी संख्या। अब 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 पूछा, सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पावर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पावर कितनी है 250, यहाँ कितनी है 150, यहाँ कितनी है 100, यहाँ कितनी है 400। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 की पावर 250 पता हो कितना होता है हमें, 3 की पावर 150 भी नहीं पता, 5 की पावर 100 भी नहीं पता, 4 की पावर 200 भी नहीं पता, तो कैसे बताएंगे कौन छोटा कौन बड़ा। तो हम एक काम करेंगे, अगर इनकी पावर को बराबर कर लें हम, तो क्या करेंगे हम, अगर हम पावर को बराबर कर लेंगे तो बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो, पावर को बराबर करने के लिए इसमें हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, तो जो इसका एचसीएफ होगा कितना होगा, 50 होगा, वो कितना होगा 50 होगा। ठीक है, यानी हमें जो है 250, 150, 100 और 200 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 250, 150, 100 और 200 का एचसीएफ कितना होगा, होगा 50। तो लिखेंगे 2 की पावर 5 × 50, देखो 250 लिखा है, हमें करना है पावर को बराबर, यानी पावर को 50-50 करना है, जितना एचसीएफ आएगा उतनी ही पावर रखनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, हमने पावर को एचसीएफ से भाग करा तो 2 की पावर 5 यहाँ लिख दिया, 50 ही लिख दिया। जब 150 को भाग करेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, 50 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पावर को हम कम नहीं कर सकते, पावर रखनी उतनी है, उसे ब्रेक करके जिस फॉर्म में लिखना चाहें वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 5 की पावर 2 × 50, अगर हम 4 की बात करें तो 4 की पावर 4 × 50। देखो सबकी पावर बराबर हो गई, सबकी पावर बराबर हो गई। अब जिसका बेस बड़ा वही बड़ी संख्या। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 32, तो 32 की पावर 50, 3 की पावर 3 हो 27, 27 की पावर 50, 5 की पावर 2 होता है 25, 25 की पावर 50 और ये होता है 64, 64 की पावर 50। अब जिसका बेस छोटा वो संख्या छोटी, जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी। तो 32, 27, 25, 64 में सबसे छोटा क्या है, 25। तो ये 5 की पावर 100 हमारा आंसर। तो हम करते क्या हैं, इस वाले 50 का कोई रोल है यहाँ पे, कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बेस को देखकर बताया, हमने क्या करा, हमने बेस को देखकर बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हम जनरली करते क्या हैं, ठीक है ना, हम अपने समझने के लिए इस पावर को ही गायब कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखो 50, 150, 100 और 200 इसका लेंगे हम क्या, एचसीएफ। तो हमने देखा कि 250, 150, 100 और 200 का एचसीएफ कितना आया हमारे पास, इसका एचसीएफ आया हमारे पास 50। तो करते क्या हैं, 250 को, ठीक है ना, 250 को 50 से भाग करो कितना आएगा, 250 को जब 50 से भाग करते हैं कितना आएगा, 5। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 की पावर 5। 50 से भाग करो 150 को कितना आएगा, 2 की पावर 3। 50 से भाग करो 100 कितना आएगा, 5 की पावर 2। 50 से भाग करो 200 कितना आएगा, 5 की पावर 4। अब देख लेते हैं कि इस बेस में जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा, क्योंकि पावर तो बराबर हो गई अब। ठीक है, तो पावर को लिखो या मत लिखो, क्योंकि हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें तो सिर्फ आंसर बताना है ना। तो यहाँ कितना है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, और 25 किसके लिए आता है, 5 की पावर 100, ये हमारा आंसर। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, देखो कितना लिखा है यहाँ, 32, 27, 25, 64, ये होगी सबसे बड़ी संख्या, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो हमें करना क्या है, हमें इसका एलसीएफ लेना है, क्या लेना है, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ 250, 150, 100, 200 का एचसीएफ लेना है।
एस सी एफ से इस पावर को भाग करना है, जो जो भागफल आए उसको पावर लगा देना है, ठीक है ना। भागफल यहाँ से कितना आया, जब 250 को 50 से भाग करोगे भागफल कितना आएगा 5, 150 को 50 से भाग करोगे भागफल 3 आएगा, 100 को 50 से भाग करोगे भागफल 2 आएगा, 200 को 50 से भागफल 4 आएगा। और देख लेना है कि इसे सॉल्व करके, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कितना आएगा ये 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर, ये क्या लिखा दिया मैंने, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 27 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, और 5 की पावर, ये क्या लिख दिया मैंने, ये 4 की पावर था, 4, ठीक है ना। हाँ, तो 4 की पावर से कितना 64 होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो बता देंगे इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 150, 150 से 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिसका व्युत्क्रम उसके जिसके जिससे उसके जिससे उसके व्युत्क्रम का एक फल कितना हो 112 हो, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक कुछ है नहीं खास ज़्यादा, यानी 50 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, तो हमने कर लिया 50 को 2 भागों में डिवाइड ए और बी में, किस में कर लिया, ए और बी में कर लिया, ठीक है। उसने कहा है क्या, उसने ये कहा है कि उसके व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि 1/a, ठीक है ना, जो उसने नंबर जो ब्रेक करा है उनके व्युत्क्रम, यानी कि इसका 1/a ये 1/b, इसका जो हमारे पास योगफल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 1/12, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो देखो यहाँ आएगा ए बी और यहाँ आएगा ए प्लस बी बराबर 1/12, 1/12। अब हमें ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें करना पड़ेगा ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे उसमें, ठीक है ना। और ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, 28 और 22, क्या 28 और 22, ठीक है ना, ऊपर 50, क्योंकि ऊपर कितना लिखा है ए प्लस बी, तो ऊपर तो 50 ही आएगा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, देखो ऊपर कितना लिखा है ए प्लस बी, ऊपर तो 50 ही आएगा, लेकिन नीचे आएगा दोनों गुणनफल, यानी कि 22 गुणा 28, क्या नीचे 12 बनेगा, कभी नहीं बनेगा 12, क्यों, क्योंकि नीचे तो 11 आ जाएगा एक बार, फिर 11 ऐसी संख्या है ऊपर कट जाए, तो ये तो हो नहीं सकता, तो नहीं बनेगा, यानी पहला ऑप्शन कट गया हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऊपर तो 50 ही आएगा, ऊपर ए प्लस बी लिखा है, बटे में क्या हमारे पास 35 गुणा 15, काटेंगे देखो 5 2 50 और 5 3 15 और 5 7 35 5 2 10, ये तो 2/21 आ गया, तो ये भी नहीं है हमारे पास आंसर। अगला देखो आना चाहिए कितना, 1/12 आना चाहिए। अगला है 20 और 30, ऊपर तो 50 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ऊपर है और ए प्लस बी कितना हमारे 50 है, बटे में 20 गुणा 30, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, और 5 से कट गया 4 बार, तो ऊपर कितना होता है 1 और नीचे कितना, 4 3 12, तो ये आंसर हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया हमारे पास 20 और बी बराबर कितना हो गया हमारे पास 30, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर था 150। क्वेश्चन नंबर 151 तक चलते हैं, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नंबर है हमारे पास, एक संख्या मान ली हमने कि एक नंबर है हमारे पास, वो मान लिया हमने एक्स, अब उसने कहा ये जो नंबर है एक्स 31 से बड़ी है, 31 से क्या है बड़ी, यानी 31 क्या, 31 में से एक्स में से अगर 31 को माइनस करें, 31 से उतनी ही बड़ी है, यानी एक्स और 31 का डिफरेंस उतना ही है जितना, जितनी 75 छोटी, जितना 75 माइनस एक्स का है, यानी ये डिफरेंस क्या है, यानी कि ये वाला डिफरेंस क्या आपस में बराबर है। उसने यही तो कहा है कि जो ये नंबर है हमारे पास एक्स, ये 31 से तो बड़ा है, यानी एक्स और 31 का डिफरेंस उतना ही है जितना 75 और एक्स का डिफरेंस है, ठीक है ना। वो नंबर एक्स जो नंबर है हमारे पास, हमने एक्स नंबर माना, एक्स 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस 31 और 75 माइनस एक्स का डिफरेंस बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने का करना पड़ेगा, एक्स को इधर ले आए तो एक्स माइनस का जाएगा किसका जगह प्लस का, तो एक्स प्लस एक्स, और ये माइनस का जाएगा किसका जगह प्लस का, तो 75 प्लस 31
कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 6, 5 और 6 7 3 10, तो x बराबर कितना हो गया 53। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 53। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है तो हमें पता है कोई संख्या ये क्या रखा है कि एक संख्या 31 से उतनी बड़ी इतनी 75 छोटी, तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना वही हमारा आंसर होगा, तो वही करेंगे। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन इसी टाइप का दे कि कोई संख्या इस नंबर से उतनी बड़ी है जितना उससे छोटी है, दूसरे नंबर से छोटी है, तो जो नंबर दे रखे उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो तो वो नंबर याद आएगा खुद निकल के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये था 151। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 152 क्या है कि एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा ना उस पहली संख्या कौन सी है, अब इसको ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, कैसे देखो, उसने कहा है कि एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, यानी एक्स हमारे पास नंबर है, इसमें जब हम 5/7 जोड़ते हैं तो वो नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, उसने पूछा है कि वह संख्या कौन सी निम्न में से, अब हमें इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, देखो उसने पूछा नंबर, अगर नॉर्मल नंबर पूछता तो x हमारा यहाँ रहता और 1 - 5/7 हो जाता, तो ये हो जाता 7, हमारा एलसीएम आता तो 7 - 5 कितना हो जाता हमारे पास 2/7। वैसे तो आंसर 2/7 है लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 2/7 नहीं है। अब इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो 5/7 पहले ऑप्शन में, 5/7 दूसरे में, 5/7 तीसरे में, 5/7 सब में, यानी इस 2/7 को ऐसा एडजस्ट करना है कि 5/7 बने। ठीक है, तो देखो बटे में तो 7 है तो बटे में 7 तो है, अगर हम ऊपर 5 बना लें, 5 कैसे बनाएंगे भाई, इसको 5 से गुणा कर दो और 5 से भाग कर दो। ठीक है भाई, 2/7 था ये, जब हमने x में 5/7 जोड़ा तो 1 आया और हमने x की वैल्यू निकाली कितनी आई 2/7 आई, लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में कहीं भी 2/7 नहीं था। 2/7 नहीं है तो करेंगे क्या, हमने जब ऑप्शन देखे तो सब में 5/7 है, यानी कि यहाँ 5/7 होना जरूरी है। जब 5/7 होना जरूरी है तो नीचे 7 तो है, ऊपर 5 बना लें, ऊपर 5 कैसे बनेगा, जब हम 5 अपनी तरफ से कुछ लगा दें उसमें, तो हमने क्या करा 5 से गुणा करी 5 से भाग कर, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, अब उसने परसेंटेज लगा रखा है तो यहाँ 100 से भी गुणा कर दो। मैंने कहा कि किसी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को क्या करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दी। तो देखो हुआ क्या कि क्या करें कि इसको काटो, 5 × 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ऊपर चाहिए 5/7 तो 5/7 तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, बचा है हमारे पास ये 2 और 2 की गुणा किस में हो जाएगी 40 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो उसने यही लिख रखा है कि 5/7 और गुणा की जगह हम का लिख सकते हैं, 5/7 का कितने परसेंट, 40%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर 2/7 है लेकिन 2/7 ऑप्शन में ना होने के कारण हमने इसको एडजस्ट कराया। ठीक है ना, क्या करा हमने, 5 से ऊपर गुणा करी, 5 से नीचे गुणा करी और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो कितना आ गया, 5/7 का 40%, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153 है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। अब इसको तो हम किस में नहीं बना सकते, परसेंटेज में चेंज तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि परसेंटेज भी पॉइंट में बनेगी। परसेंटेज में किस में बनेगी, पॉइंट में बनेगी। जब परसेंटेज पॉइंट में बनेगी तो इससे अच्छा है कि या तो हम फ्रैक्शन के साथ ही सॉल्व कर लें या फिर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर संख्या मान लें। तो देखो दो तरीके हैं। उसने कहा कि एक नंबर है उसका 1/7 भाग जो है किससे, 1/11 से अधिक है। 1/7 भाग 1/11 से कितना अधिक है, 100 अधिक है। तो एक तरीका तो यह है कि नंबर को एक्स मान लो, नंबर को एक्स नहीं मानते, करते क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर एक्स है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 11 है, तो हम नंबर को मान लेते हैं, माना नंबर, माना संख्या कितनी है, संख्या इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम, यहाँ तो एलसीएम जो है कि मल्टीप्लाई आएगी 7 × 11। ठीक है, 7 × 11 तो बस खत्म क्वेश्चन। यानी इस 7/11 का अगर हम 1/7 निकालें तो कितना आएगा, वो 11 आएगा,
और एक बटे ग्यारह, 7 × 11 का 1/11 निकालें तो वो 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास 100 का है। कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। कितने का है? 100 का है। तो ये डिफरेंस है कितने का? वैसे 4 का डिफरेंस है। तो 4 का जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है? संख्या पूछी, संख्या तुम्हारी है। तो क्या करेंगे? 4 × 7 × 11 4 से कटेगा 25 बार, 25 सत्य कितना हो गया? 175 गुणा 11 कितना हो गया? ये हो गया 5। मैं यहाँ लिखता हूँ सामने इसके, ये हो गया 5, 7 × 5 = 12, 7 × 8 = 9, 925 ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसको हम और भी जल्दी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो 11 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, ठीक है। हमें पता है कि इसका और इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम हम संख्या मानेंगे, तो संख्या कितनी मानेंगे? 7 × 11, ठीक है। तो इस ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, इसका डिनोमिनेटर ऊपर पहुँच जाएगा, इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ये 11 और ये 7, डिफरेंस कितने का? 4 का। 4 की वैल्यू 100, पूछा कितना आई है। तो इसको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड लग सकते हैं इसको करने में, और भी कम लग सकते हैं, ठीक है चलो। लेकिन ये तरीका आना चाहिए कि हमने यहाँ 11 क्यों लिखा और ये हमने 7 लिखा क्यों, ठीक है। लिखा क्यों? क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम को नंबर माना था, और जब इस नंबर का 1/7 निकालेंगे तो 11 आएगा, इस नंबर का 1/11 निकालेंगे तो 7 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 100 दे रखा और आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1925, ठीक है चलो। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 154, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या रखा है कि 1/9 उसके 1/10 से, यानी कि 1/9 उसके 1/10 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो मैंने बताया नंबर कितना आ जाएगा? 9 × 10। एलसीएम छोड़ दो जो एलसीएम आए, ठीक है, एलसीएम 9 × 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है ना भैया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि इसका डिनोमिनेटर ऊपर, इसका डिनोमिनेटर नीचे, डिफरेंस कितने का? 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी रखी उसने? 4। 1 की वैल्यू 4, पूछिए संख्या, संख्या कितनी? 9 × 10। तो 9 × 10 कितना हो जाएगा भाई? 4/1 × 9 × 10, 9 × 36, आंसर कितना होगा? 360, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तभी कर सकते हैं जब हमें पता है कि हम कर कैसे रहे क्वेश्चन को, ठीक है ना चलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला 155, लघुत्तम अभाज्य संख्या, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन हमारे लघुत्तम का मतलब होता छोटा, लघुत्तम का बड़ा नहीं होता। लघुत्तम जब भी मिले तो पूछेगा स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है? 3201 में 2 है। कौन सी हमारे पास? 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है चलो। अगला है हमारे पास क्या कि 8 की पावर 20, 3 की पावर 40, सॉरी 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15। मैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मैं प्राइम फैक्टर कितने हैं वो पूछा है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि बेस को प्राइम करो, बेस को प्राइम करने के लिए 2 की पावर 3 बनेगा, और 3 की जब 20 से गुणा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। ये टूटेगा 5 × 3 में, तो 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 24 को 2 बार जोड़ेंगे हम, 24 + 24, एक बार 5 की पावर के साथ, एक बार 3 की पावर के साथ, ठीक है। ये कितना? 17 है, ऑलरेडी प्राइम बेस है तो +15 कि जोड़ो कितना? कोई 24 + 48 + 60, 108, 108 और 15 जोड़ दो, कितना हो गया? कितना हो गया? 8 × 5 = 13, 123 आंसर। कितना आंसर? 123 आंसर। इसको आंसर कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और डिटेल में कैसे करना है वो पीछे बता चुका हूँ, ठीक है ना, कर लेना। फिर बता देता हूँ करना कैसे। देखो भाई, इसको 2 की पावर 3 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस को हम प्राइम करेंगे, ठीक है। 15 प्राइम बेस नहीं है, इसको प्राइम करना पड़ेगा हमें, और 17 ऑलरेडी प्राइम बेस है। कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 × जब 20 से हो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 60 गुणा 5 की पावर 24, 3 की पावर 24, 17 की पावर 15। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, ये जो मैंने जोड़ा, देखो 60 24 24 और 15, ये हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 हमारे पास कि 2 की पावर 50
कोमा 3 की पावर 40 कोमा 4 की पावर 30 कोमा 5 की पावर 20। मैं सबसे बड़ी संख्या, तो अभी मैंने बताया कि ये जो पावर है ना इसका HCF लो। क्या लो इसका? HCF। जब हम इसका HCF लेंगे तो HCF आएगा 10। कितना HCF आएगा? 10। कितना आएगा HCF? यानी जो पावर का जो HCF आएगा वो आएगा हमारे पास कितना? 10। और इस 10 से इस पावर को भाग कर दो, जो भाग फला है उसको पावर मान लो। जब 10 से भाग करेंगे 2 की पावर 5 आएगा, जब 10 से भाग करेंगे 3 की पावर 4 आएगा, जब 10 से भाग करेंगे 4 की पावर 3 आएगा, 10 से भाग करेंगे 5 की पावर 2 आएगा। 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 3 होता है 64 और 5 की पावर 2 होता है 25। अब बड़ा कौन सा है इसमें? 81 बड़ा है तो यह संख्या बड़ी हो गई। छोटी पूछे तो 25 छोटा है, संख्या छोटी हो गई, बस ठीक है ना। वैसे इसकी इसकी पावर इसके उसमें पावर चल रही है, कौन सी पावर चल रही है? ये चल रहा है 10, 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 लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 158। उसने कहा है कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया और शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, बताइए ऊँटों की संख्या कितनी है। अब उसने वर्गमूल का 2 गुना कहा है, जब वर्गमूल का 2 गुना कहा है तो हमें संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जिसका स्क्वायर रूट आसानी से आ जाए। संख्या मतलब जो मानेंगे हम, हमने मान लिया कि माना ऊँटों की संख्या, ऊँटी थी ना, ऊँटी माना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों माना? क्योंकि उसने वर्गमूल कह रखा है ना आगे, तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसने कहा है कि ऊँटों का 1/4 जंगल में देखा गया, यानी ऊँट कितने थे? एक्स स्क्वायर। इसका 1/4 कहाँ देखा गया? जंगल में, ये जंगल में देखे गए। ठीक है, आगे कहा है झुंड के वर्गमूल, जिसका जब वर्गमूल लेंगे हम एक्स स्क्वायर का तो कितना आएगा? एक्स वर्गमूल का 2 गुना, का 2 गुना कहाँ चला गया? पहाड़ों पर चला गया। और जो शेष बचे, शेष कितने बचे? 15 ऊँट, वो नदी किनारे देखे गए, ठीक है ना। तो जंगल में और पहाड़ों पर कितने ऊँट चले गए? देखो जंगल में चले गए कितने? एक्स स्क्वायर 4 और पहाड़ पर कितने चले गए? 2x। ये ऊँट तो चले गए, ऊँट थे कितने? एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर में से इन ऊँटों को माइनस कर दें, क्यों? क्योंकि ये तो चले गए कहाँ? जंगल में। ये कहाँ चले गए? पहाड़ों पर। यानी ये कहाँ चले गए? ये तो चले गए यहाँ से, ये तो चले गए। इतने ऊँट चले गए, इतने ऊँटों को जब हम टोटल ऊँटों की संख्या से माइनस करते हैं तो वो ऊँटों की संख्या कितनी बचती है? 15 बचती है। बस इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण बनेगी लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 4 माइनस का 2x बराबर का 15। ठीक है, अब करें क्या कि 4 LCM ले लो और 4 की गुणा इधर कर दो। जब 4 LCM लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 60। तो 4 में से 1 गया 3x² माइनस का 8x बराबर का 60। ठीक है ना, और बराबर इसको 60 को उधर लेके आएंगे हो जाएगा हमारे पास बराबर 0। 6 3 18 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, जो घटाने पे कितने आए हैं? 8 आए हैं। ठीक है, तो 18 180 हो सकता है क्या? देखो ठीक है, कितना करना पड़ेगा? यहाँ से करेंगे 3x माइनस का 18x, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। ये हो गया हमारे पास 3x² माइनस का 8x माइनस का 60 बराबर 0। 3x² माइनस का 18x प्लस का 10 माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 3x कॉमन आया, यहाँ कितना बचा? x माइनस का 6, कितना आया? 6 बचा। यहाँ 10x था ना, यहाँ x आएगा,
ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 10 कॉमन लेंगे। जब प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। कितना आया, एक तो आया एक्स माइनस का 6, दूसरा कितना आया 3x प्लस का 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 6 आ गई और दूसरी माइनस 10/3 हो गई। तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि ऊँटों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है ना, वैसे ही फ्रैक्शन में आ रहा है, वैसे भी किस में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है। ठीक है चलो, तो अब x बराबर कितना आ गया 6, लेकिन संख्या तो कितनी थी, इसका स्क्वायर थी ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे मत करने लगना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से, कैसे करेंगे बताता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो करना कैसे है बताता हूँ ऑप्शन से, ठीक है। जो जो कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं उसमें, ठीक है, ये लिखते हैं, ठीक है। देखो अगर हम पहले को मानते हैं, अगर हम पहले को मानते हैं, मान लेते हैं कि 60 ऊँट थे, मान लेते हैं कि 60 ऊँट थे, माना कितने ऊँट थे 60 ऊँट थे, कितने ऊँट थे 60, 60 ऊँट थे, तो 1/4 चले गए कहाँ, जंगल में। तो 60 का 1/4 चले गए जंगल में, यानी कितने चले गए जंगल में, 15 चले गए जंगल में। लेकिन दूसरी कंडीशन में बोला है कि जितने ऊँट हैं इसको स्क्वायर रूट का, 60 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो कभी नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो हमें यहाँ देखने से पता चल गया कि जो आंसर होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि जो वर्गमूल निकालने की बात की है ना उसने, तो वर्गमूल उसी संख्या का निकल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है क्या वहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आंसर हो सकता है। 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो काट दिया मैंने, 20 भी नहीं है और 72 भी नहीं है, 72 ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर एक ही है इसमें 36। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व करे दे सकते थे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है ना कि वर्गमूल का दोगुना, तो वर्गमूल का दोगुना कहाँ चढ़े गए, पहाड़ों पर। ऐसा तो है नहीं कि ऊँट पॉइंट में आएंगे, ऊँट तो पूरे पूरे नंबर में आएंगे। जब ऊँट पूरे पूरे नंबर में आएंगे तो जो संख्या होनी चाहिए वो वर्गमूल होनी, वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 36। तो आंसर कितना हुआ 36। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, इस क्वेश्चन को सिर्फ देख कर आंसर बताना था। तो आंसर कितना है हमारे पास 36, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो हमारे पास HDI आता नंबर सिस्टम का ये 158 क्वेश्चन थे, सारे समाप्त होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या दोबारा पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। और बाकी अगली वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो।